everyone so, we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance in Variation and the topic Inheritance of Two Genes. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of five marks which was asked in the CBSE Board Daily Examination 2015. So, the question is A part, Dihybrid cross between two garden pea plant on homozygous tall with round seeds and the other dwarf with wrinkled seeds was carried. So, first part, write the genotype and phenotype the phenotype of the F1 progeny obtained from this cross.

विद राउंड सीड्स का क्रॉस करवाया ड्वाफ पी प्लांट विद रिंकल सीड्स तो इस क्रॉस के बेसिस पे हमसे थ्री क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि एफ वन का जीनोटाइप और फिनो क्या था सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि एफ वन के कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे और थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है की एफ जनरेशन के फिनो क्या होंगे और उनका रेशियो क्या होगा क्लियर देन बेटा बी पार्ट में हमें पूछा है कि जो मॉर्गन ने पे डायहाइब्रिट क्रॉसेस करे थे उनका एफ टू का जो रिजल्ट था वो मेंडल के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट कैसे और क्यों था क्लियर सो लेट्स चेक द आंसर

तो अब इस क्रॉस के बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था कि एफ प्रोजेनी का जीनो और फिनोटाइप क्या होगा जो हमने अभी चेक कर लिया तो जीनो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और फिनोटाइप होगा टॉल एंड राउंड क्लियर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था कि एफ प्रोजेनी में कितने टाइप के गेमिट्स बनेंगे जो अभी हम चेक करके आ रहे हैं तो फोर टाइप के गेमिक्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर उसके बाद थर्ड पार्ट

मॉर्गन ने दो टाइप के क्रॉस करवाए थे एक क्रॉस में जो उनके जीन्स थे वो क्रोमोजोम पे पास पास प्रेजेंट थे और दूसरे क्रॉस में जो जीन्स थे वो क्रोमजोम पे दूर दूर प्रेजेंट थे तो उन्होंने बोला था जो जीन्स पास पास प्रेजेंट होंगे उनमें फिजिकल एसोसिएशन होगा जिसे उन्होंने टर्म दिया था लिंकेज उन्होंने ये भी बोला था कि जिन जीन्स में लिंकेज ज्यादा होगा उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा यानी न्यू टाइप रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं बनेंगे कम बनेंगे और पेरेंटल टाइप ज्यादा बनेंगे और अगर लिंकेज कम होगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ज्यादा बनेंगे क्लियर बेटा तो जो मॉर्गन थे उन्होंने दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करी थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो कि मेंडल ने नहीं दी थी इसी वजह से जो मॉर्गन का एफ जनरेशन का रेशियो था वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मेंडल के रेशियो से डिफरेंट था इस पार्ट को बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे आप इसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू